नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में और पुराणों में पहले ही कलयुग की भविष्यवाणी की हुई है। कलयुग का प्रभाव कैसा होगा और कलयुग की स्त्रियां कैसी होंगी, कलयुग के मनुष्य कैसे होंगे, कलयुग में मनुष्यों की लंबाई और आयु कितनी होगी, कलयुग में पाप और पुण्य की परिभाषा क्या होगी, कलयुग में मुक्ति पाने का रास्ता क्या होगा तथा कलयुग का अंत कैसे होगा आदि के विषय में हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में कलयुग की भविष्यवाणी की गई है। भगवान विष्णु ने कलयुग का जिक्र गरुड़ जी के सामने किया है। इसके बारे में प्राचीन गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कलयुग के अंत के बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कलयुग के अंत के बारे में। कलयुग के बारे में की गई प्राचीन भविष्यवाणी। इस कलयुग का अंत धर्म की असफलता, अनुशासन रहित मनुष्यों में बढ़ती दुर्भावना और लालच, अधिक काम वासना, बढ़ता भ्रष्टाचार, शुरू तथा बुजुर्गों की बढ़ती नींद, स्त्रियों में अनाचार, लोगों में आध्यात्मिक की कमी, इन सभी लक्षणों से कलयुग की पहचान होती है। भगवान विष्णु ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य का मन अधिक कठोर हो जाएगा। मनुष्य अशांत, अत्यधिक चंचल, धर्म से विमुख होकर अधर्म के मार्ग पर चलेगा। अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा। उनके मुख से जो भी निकलेगा उसे ही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग के अंत में धर्म और असुरी शक्तियों का विनाश होगा और पुनः एक बार नए युग का आरंभ होगा, अर्थात फिर से सतयुग का आरंभ होगा और सृष्टि का यह चक्र चलता रहेगा। चारों युगों में कलयुग अंतिम युग होता है। सबसे पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, द्वापर युग, फिर शुरू होता है कलयुग। शास्त्रों के अनुसार महाभारत के पश्चात कलयुग का आरंभ पृथ्वी पर हुआ था। यह योग धार्मिक और आध्यात्मिक कम प्रगति करने वाला माना जाता है। मान्यता के अनुसार आज से 3737 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्ष बाद कलयुग का आरंभ हुआ था, अर्थात श्री कृष्ण के अपने धाम वापस जाने के बाद हुआ। भगवान विष्णु कहते हैं कलयुग में अपने स्वार्थ को ही लोग सर्वोपरि मानेंगे। धर्म का त्याग करके मटेरियलिस्टिक उद्योग को पाने के लिए जी जान से कोशिश करेंगे। धर्म में विश्वास न होने के कारण लोग अन्याय पूर्वक आचरण करेंगे और हम इस समय ही देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि कलयुग का अंत नजदीक आ गया है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे यह कलयुग और भी भयंकर रूप लेने वाला है। कलयुग के उस भयानक रूप को देखने की क्षमता आज के इन मनुष्यों में नहीं है। जब कलयुग का अंत समय नजदीक आएगा तो ऐसी ऐसी भयानक चीजें दिखाई देंगी। मनुष्य इस तरह के हो जाएंगे कि वह मनुष्य कम और पिशाच ज्यादा दिखाई देंगे। तो आज जान लेते हैं गरुड़ पुराण में कलयुग के विषय में क्या कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, चार युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर और दुखपूर्वक माना गया है, इस कलयुग का अंत कैसे होगा और इस कलयुग के अंत समय में कौन से संकेत दिखाई देंगे। तब भगवान विष्णु कलयुग के अंत समय में भयंकर मिलने वाले संकेतों के बारे में गरुड़ जी को बताते हैं। जब पृथ्वी पर ऐसे महाभयंकर संकेत दिखाई देंगे तो मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि कलयुग का अंत नजदीक आ गया है और अब सृष्टि का अंत प्रलय से होगा। सबसे पहले भगवान विष्णु के अनुसार कलयुग का अंत समय आने पर मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 वर्ष शेष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही उनके बाल पक जाएंगे, उनके शरीर अत्यंत कमजोर हो जाएंगे। कलयुग में स्त्री 8 या 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देगी। कलयुग की स्त्री बहुत ही कमजोर शरीर वाली होगी। कलयुग में स्त्री कम संतान को जन्म देने वाली होगी और अत्यंत ही क्रोधित स्वभाव की होगी। वह अपने संतान को दूध भी नहीं पिलाएगी और ना ही उनका पालन पोषण करेगी। और दूसरा संकेत भगवान विष्णु कहते हैं कि कलयुग का अंत समय आने पर कलयुग में पतिव्रता स्त्रियां दिखाई नहीं देंगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी।
लोग पूजा पाठ, अंतिम संस्कार, श्राद्ध, मुंडन और विवाह आदि प्रकार के कार्य करना बंद कर देंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग मांसाहार ही भोजन करेंगे और कोई भी सात्विक भोजन नहीं करेगा। कलयुग में लोगों के वस्त्र तने हुए और चमकीले होंगे। और तीसरी बात, भगवान विष्णु कहते हैं कि जब कलयुग का अंत समय नज़दीक आएगा तो वृक्षों में फल आना बंद हो जाएगा, सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे, सृष्टि में हर तरफ सिर्फ उजड़े हुए पेड़ ही दिखाई देंगे, मनुष्य शाकाहार छोड़कर सिर्फ मांस ही खाएंगे। कलयुग का भोजन तामसिक और अत्यधिक रोग उत्पन्न करने वाला होगा, इसी कारण लोग जल्दी बूढ़े होकर ही मर जाएंगे। कलयुगी मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देंगे, सभी गाय का मांस खाएंगे और गाय को सिर्फ दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा। चौथी बात, भगवान विष्णु कहते हैं कलयुग का अंत समय आने पर अल्वृष्टि होगी, अर्थात बहुत कम बारिश होगी, खेतों में अनाज उगना बंद हो जाएगा, धान का आकार बहुत ही छोटा हो जाएगा और फल में रस भी नहीं होगा। मनुष्य भूख और प्यास के कारण ही मरने लगेंगे, मनुष्यों को केवल बकरी का दूध ही प्राप्त होगा। पांचवी बात, जो भगवान विष्णु कहते हैं जब कलयुग का अंत नज़दीक होगा तब भगवान विष्णु सूर्य किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे, आकाश में चारों ओर 7 सूर्य दिखाई देंगे, इन सभी के तेज से सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। तब जाकर रुद्र रूपी भगवान विष्णु स्वयं से मेघों को उत्पन्न करेंगे, वही मेघ गर्जना करते हुए 100 वर्षों तक बारिश करते रहेंगे और वो बारिश पूरी सृष्टि से उस भयंकर अग्नि को शांत कर देगी। अग्नि शांत होने पर वे सभी मेघ पूरे संसार को जल में डुबो देंगे और फिर इस प्रकार से कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति करेंगे, फिर से नए युग की शुरुआत करेंगे, यानी कि सतयुग फिर से आरंभ होगा।